अभी तक हमने पढ़ा था कि मैकेनिकल ग्रिपर्स के बारे में और एक अभी एंड इफेक्टर्स के बारे में लास्ट वीडियोस में पढ़ा था। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे एक्चुएटर्स क्या होते हैं और ग्रिपर्स क्या होते हैं। तो मेरे साथ अंत तक वीडियो में बने रहें और ज्यादा अपडेटेड वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब आते हैं सीधे पॉइंट पे कि एक्चुएटर्स क्या होते हैं। बेसिकली एक्चुएटर वो डिवाइसेस हैं जो बेसिकली आपको रोबोट जो होता है उसको ड्राइव करने का काम करते हैं। एक्चुएटर्स आर डिवाइसेस विच ड्राइव से रोबोट इंक्लूडिंग इट्स ग्रिपर। और ये रोबोट को ड्राइव करते हैं और ग्रिपर को ड्राइव करने का काम करते हैं। दे आर लाइक द मसल ऑफ ह्यूमन आर्म एंड हैंड। आदमी का हाथ जैसे होता है, आदमी का शरीर में हाथ है, हमारा मसल्स जैसे है, वैसे ही एक्चुएटर है रोबोट का। तो ये वाला पॉइंट आप अगर थोड़ा सा लिख देंगे यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में तो मार्क्स मिल जाते हैं इस पे। व्हाइल द ह्यूमन आर्म प्रोवाइड मोशन, द हैंड इज यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन। ह्यूमन आर्म क्या प्रोवाइड करता है, मोशन प्रोवाइड करता है, लेकिन जो आपका हाथ होता है उसका यूज हम लोग करते हैं किसके लिए, ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन के लिए। अब देखिए किसी भी एक्चुएटर को कुछ सब सिस्टम्स हैं, एक्चुएटर के कुछ पार्ट्स हैं, तो उसको मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। पहला, इसमें एक पावर सप्लाई होना चाहिए। दूसरा, एक पावर एम्पलीफायर होता है। तीसरा, एक सर्वो मीटर मोटर होता है। और चौथा, एक ट्रांसमिशन सिस्टम होता है। तो इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे। देखिए यहाँ पे एक पावर सप्लाई, पावर एम्पलीफायर लगा होता है जो कनेक्टेड होता है किससे, मोटर और सर्वो मीटर, और जो ट्रांसमिशन सिस्टम में जुड़ा होता है मोटर। ठीक। उसके बाद देखिए जो एक्चुएटर्स हैं उसको हम लोग बेसिकली थ्री पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है हमने। अभी ग्रिपर्स हम लोग डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, पहले एक्चुएटर का पूरा सेक्शन देखते हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर होते हैं, हाइड्रोलिक एक्चुएटर होते हैं और न्यूमेटिक एक्चुएटर्स होते हैं। तो तीन तरह के बेसिकली एक्चुएटर्स होते हैं जो हम लोग पढ़ेंगे इस वाले वीडियो में। इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर्स बेसिकली द प्राइमरी इनपुट पावर इसमें जो यूज होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज होता है। ठीक है। और इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का भी हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिक एक्चुएटर्स में, जबकि हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स में हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोलिक यूज एनर्जी जो होता है जो रिजर्वायर में हम लोग स्टोर करके रखते हैं और उसका यूज करते हैं, दैट हाइड्रोलिक यूज एनर्जी को हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं, किसमें चेंज करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी में, किसके हेल्प से, सूटेबल पंप्स लगे होते हैं उसके हेल्प से हम लोग जो भी हाइड्रोलिक एनर्जी स्टोर होता है रिजर्वायर में उसको मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करते हैं और उसका यूज हम लोग करते हैं। और न्यूमेटिक एक्चुएटर्स में क्या होता है, न्यूमेटिक एक्चुएटर्स में हम लोग न्यूमेटिक एनर्जी का यूटिलाइज करते हैं, यूज करते हैं। इसमें हम लोग कंप्रेस्ड एयर जो होता है जो कंप्रेसर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है और उसका कंप्रेसर की हेल्प से क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में, किसकी हेल्प से, पिस्टन और टरबाइन की हेल्प से। समझ रहे हैं क्या होता है इसमें, कि न्यूमेटिक एनर्जी भी इसमें यूज किया जाता है। इसमें कंप्रेस्ड एयर जो कि कंप्रेसर प्रोवाइड करता है और पिस्टन और टरबाइन की हेल्प से उसको हम लोग किसमें चेंज कर लेते हैं, मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक। ए पिस्टन ऑफ द मोटर इनपुट पावर पी ए इज कन्वर्टेड इंटू द आउटपुट एज ए मैकेनिकल पावर पी डब्ल्यू, एट द रेस्ट पी डी एस इज डिसिपेटेड बिकॉज ऑफ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, हाइड्रोलिक और न्यूमेरिकल मोटर लॉसेस। जो भी आपको इनपुट पावर मिलता है, अगर मान लीजिए वो पी ए मिलता है, तो हम पूरा का पूरा उसका मैकेनिकल पावर में यूटिलाइजेशन मतलब चेंज तो नहीं कर पाते हैं, कुछ उसमें एनर्जी जो होती है डिसिपिएट हो जाती है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक मोटर लॉसेस के रूप में, लॉसेस के रूप में एक तरह से एनर्जी डिसिपिएट हो जाती है और जो बचा हुआ पावर होता है वो मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो जाता है। ठीक है। अब रोबोट के एक एप्लीकेशंस में एक्चुएटर के पास कुछ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स है जो होने चाहिए। पहला क्या है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है लो इनर्सिया, लो इनर्सिया होना चाहिए, हाई पावर टू वेट रेशियो। तीसरा, पॉसिबिलिटी टू ओवरलोड एंड डिलीवर ऑफ इम्पल्स टॉर्क, कैपेसिटी टू डेवलप हाई एक्सेलरेशन। आपको बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन की आवश्यकता तुरंत ही पड़ सकती है, तो ऐसे कैपेबिलिटी होने चाहिए जो एक्चुएटर्स होंगे उनके पास। ठीक है। हाई पोजिशनिंग एक्यूरेसी, हाई वेलोसिटी रेंजेज। तो
डिफरेंट रेंजेस में आपको ऑपरेट करने की जरूरत होती है रोबोट्स को, तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो होने चाहिए वो किसी भी एक्चुएटर में होने चाहिए, राइट। गुड पोजीशनिंग एक्यूरेसी, बिल्कुल पोजीशनिंग अच्छी होनी चाहिए, गुड ट्राजेक्टरी ट्रैकिंग एंड पोजीशनिंग एक्यूरेसी, तो ये सब पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं। आप एक एक चीज थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर आर जनरली वेयर एन इलेक्ट्रिक मोटर ड्राइव रोबोट्स लिंक थ्रू सम मैकेनिकल ट्रांसमिशन दैट इज गियर ईटीसी। बेसिक सी बात है जो ऑटोमोबाइल में आप लोग पढ़ते हैं कि हम लोग इलेक्ट्रिकल मोटर का भी यूज करके ड्राइव करते हैं। किसको ड्राइव करते हैं? इसमें रोबोट को, ठीक है। और जिसका किसके हेल्प से ट्रांसमिशन की में कुछ मैकेनिकल ट्रांसमिशन लगे होते हैं, जैसे गियर वगैरह लगा होता है जिसके हेल्प से हम लोग ट्रांसमिशन का काम करते हैं। इन द ईयरली ऑफ इंडस्ट्री रोबोटिक्स हाइड्रोलिक्स रोबोट्स वेयर द मोस्ट कॉमन। पहले सबसे ज्यादा हाइड्रोलिक रोबोट्स को का ही यूज किया जाता है, लेकिन अभी जब इलेक्ट्रिकल मोटर के डिजाइन में काफी चेंजेस आ गया है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिजाइन आ गई हैं, तो जो मोस्ट ऑफ द रोबोट्स अभी जो अभी फेब्रिकेट हो रहे हैं, अभी जो बन रहे हैं लेटेस्ट में, वो सारा का सारा इलेक्ट्रिकल कंस्ट्रक्शन वाला ही है, ठीक है। द फर्स्ट कॉमर्शियल इलेक्ट्रिकल ड्रिवन इंडस्ट्री रोबोट वाज इंट्रोड्यूस इन 1974 बाई एबीबी। सबसे पहला जो इलेक्ट्रिकल रोबोट इंट्रोड्यूस हुआ था इंडस्ट्री में, वो 1974 में एबीबी के द्वारा आया हुआ था। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर्स के, ठीक है। तो पहला इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि वाइड स्प्रेड अवेलेबिलिटी ऑफ पावर सप्लाई। दूसरा, बेसिक ड्राइव एलिमेंट इज एन इलेक्ट्रिक मोटर इज यूजली लाइटर देन दैट ऑफ फ्लूड पावर दैट इज पेस्टराइज फ्लूड और कंप्रेस्ड एयर। तो ये लाइट इन वेट होता है और बहुत ज्यादा रेंज होता है पावर सप्लाई का जो इसमें होता है, इसमें जो हाई एनर्जी कन्वर्जन एफिशिएंसी होता है। और सबसे बड़ा कि फायदा इसका ये है कि हम जिस वर्क प्लेस पे जिस इन्वायरमेंट में काम करते होते हैं तो वहां पे पॉल्यूशन बहुत कम हो जाता है। वहां पे पॉल्यूशन नाम होता ही नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रिकल सिस्टम है पूरा का पूरा, तो पॉल्यूशन वाली समस्या खत्म हो जाती है, ठीक है। और देखिए, एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होती है, रिपीटेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो जो फ्लूड या न्यूमेटिक आप यूज करेंगे उससे तो ज्यादा ही इसकी एक्यूरेसी और रिपीटेबिलिटी है, ठीक है। और उसका एक और सबसे बड़ा एडवांटेज है कि बीइंग रिलेटिवली क्वाइट एंड क्लीन दे आर वेरी एक्सेप्टेबल इन्वायरमेंटली। जो मैंने अभी बताया आपको कि पॉल्यूशन के चांसेस काफी कम रहते हैं इसमें, दे आर इजिली मेंटेन एंड रिपेयर। ये वाला पॉइंट आप तो ऐड ही कर सकते हैं कि इजिली मेंटेन कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। और इसके जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं लाइट इन वेट होते हैं, जो ड्राइव सिस्टम है वो वेल सुटेड टू इलेक्ट्रिकल कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल, ठीक। उसके बाद डिसएडवांटेजेस देखेंगे इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर्स के। पहला डिसएडवांटेज ये है कि जो रोबोट जो इलेक्ट्रिकली ड्रिवन होते हैं उनको मैकेनिकल ट्रांसमिशन सिस्टम की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, ठीक है। तो इसमें मैकेनिकल ट्रांसमिशन सिस्टम अगर नहीं होगा तो हम लोग बेसिकली रन नहीं करा पाएंगे, ठीक। तो ये एक डिसएडवांटेजेस है। एडिशनल पावर इज रिक्वायर्ड टू मूव द एडिशनल मासेस ऑफ द ट्रांसमिशन सिस्टम। अब बेसिक सी बात है कि जब आपको अगर अलग से मैकेनिकल ट्रांसमिशन सिस्टम आप ऐड कर रहे हो तो ट्रांसमिशन सिस्टम यूज कर रहे हो तो एडिशनल पावर की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। अनवांटेड मूवमेंट ड्यू टू ब्लैकलेस एंड ब्रेज इन द ट्रांसमिशन एलिमेंट, ये भी बात है एक कि बहुत ज्यादा अनवांटेड मूवमेंट होता है क्योंकि जो ट्रांसमिशन एलिमेंट होते हैं उसमें ब्लैकलेस होता है और प्लेज होते हैं, तो इससे क्या होता है कि अनवांटेड मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है, ठीक। ड्यू टू इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी विद द ट्रांसमिशन सिस्टम वी नीड कॉम्प्लेक्स कंट्रोल रिक्वायरमेंट एंड एडिशनल कॉस्ट फॉर देयर प्रोक्योरमेंट एंड मेंटेनेंस। ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा तो जाहिर सी बात है कि हमको उसको मेंटेन करने के लिए मेंटेनेंस के ऊपर अधिक पैसा खर्चा करना पड़ेगा, ये वाली बात आप ऐड कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल मोटर्स आर नॉट इंस्ट्रिक्टली सेफ मेनली इन एक्सप्लोसिव इन्वायरमेंट। इलेक्ट्रिकल मोटर जहाँ पे एक्सप्लोसिव इन्वायरमेंट है वहां पे ज्यादा सेफ नहीं होते हैं, तो ये एक इसका ड्रॉबैक है। अब हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स पे आते हैं। हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स आर वन ऑफ द टू टाइप ऑफ फ्लूड पावर डिवाइसेस फॉर इंडस्ट्रियल रोबोट, द अदर टाइप इज न्यूमेटिक डिस्क्राइब इन द नेक्स्ट सेक्शन। हाइड्रोलिक एक्चुएटर यूटिलाइज हाई प्रेशर फ्लूड सच एज ऑयल टू ट्रांसमिट फोर्स टू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन डिजायर्ड।
बेसिकली हम लोग ऑयल का यूज करते हैं इसमें पावर ट्रांसमिशन के लिए। ए हाइड्रोलिक एक्चुएटर इज वेरी सिमिलर इन अपीयरेंस टू दैट ऑफ न्यूमेटिक एंड ड्राइवन, दोनों ही एक जैसे ही होते हैं। बस इसमें हाइड्रोलिक में हम लोग ऑयल का यूज करते हैं और न्यूमेटिक में हम लोग एयर का यूज करते हैं। और ऑयल जो होता है आपको पता है कि लेस कंप्रेसिबल है इन दैट कंपेरिजन ऑफ एयर। तो इसमें जो हमको तुरंत ही वर्क का ट्रांसमिशन होता है, फोर्स का ट्रांसमिशन होता है, उसमें डिले नहीं होता है। डिफरेंट कंपोनेंट्स आर शोन, हाइड्रोलिक एक्चुएटर डिजाइन टू ऑपरेट एट मच हायर प्रेशर, टिपिकली बिटवीन 20 एंड 120 बार। दे आर सुटेड फॉर हाई पावर एप्लीकेशन। एडवांटेजेज डिसएडवांटेजेज ऑफ हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स आर एज फॉलो, क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है जो आप अपने एग्जाम्स में लिख सकते हैं। पहला एडवांटेज इसका है कि हाई एफिशिएंसी एंड हाई पावर टू साइज रेशियो, कंप्लीट एंड एक्यूरेट कंट्रोल ओवर स्पीड पोजीशन एंड डायरेक्ट ऑफ एक्चुएटर आर पॉसिबल। फ्यू बैकलेस प्रॉब्लम्स अकर ड्यू टू स्टिफनेस एंड इनकंप्रेसिबिलिटी ऑफ द फ्लूइड, स्पेशली व्हेन द एक्चुएटर एक्ट्स एट द जॉइंट इटसेल्फ, लार्ज फोर्सेस कैन बी अप्लाइड डायरेक्टली एट द रिक्वायर्ड लोकेशन। बहुत ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है तो वहां पे हम लोग हाइड्रोलिक का ही यूज करते हैं अभी भी। द जनरली हैव ए ग्रेट लोड कैरिंग कैपेसिटी, जैसे मैंने बताया इलेक्ट्रिकल और न्यूमेटिक के तुलना में ज्यादा लोड कैरिंग कैपेसिटी इसमें होती है। इसमें कोई हमको मैकेनिकल लिंकेज की आवश्यकता नहीं होती। सबसे बड़ी फायदा, सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि हमको डायरेक्ट डराइव ऑप्टेंड होता है किससे, विद मैकेनिकल सिंप्लिसिटी, मैकेनिकल इक्विपमेंट के हेल्प से हमको डायरेक्ट ड्राइव मिल जाता है और हमको किसी प्रकार के लिंकेज की आवश्यकता नहीं होती है इसमें। कोई ये सबसे बड़े बेनिफिट ये वाला पॉइंट आप ऐड करिए कि सेल्फ लिब्रिकेटिंग होता है, लो वियर, नॉन कोरोसिव, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एन एक्यूमुलेटर विच एक्ट एज ए स्टोरेज डिवाइस, द सिस्टम कैन मीट सडन डिमांड्स इन पावर। हाँ, बहुत ज्यादा पावर की आवश्यकता है, आपको तुरंत ही बहुत ज्यादा पावर की आवश्यकता है तो मिल सकता है। हाइड्रोलिक रोबोट्स आर मोर कॉम कैपेबल ऑफ विदेस्टिंग शॉक लोड देन इलेक्ट्रिकल रोबोट्स, शॉक के खिलाफ जो विदेस्टैंडिंग कैपेबिलिटी है उसकी ज्यादा होती है। ठीक, तो इसके ये थे अब डिसएडवांटेजेस देखते हैं। लीकेज कहना कर, हाँ ऑब्वियस बात है कि इसमें हम लोग ऑयल यूज करते हैं तो लीकेज होने के चांसेस होते हैं और आपका पूरा का पूरा जो वर्क एरिया है वो खराब हो सकता है, उसको बार बार साफ करने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो ये रिस्क है यहाँ पे। अगर मान लो कि जो ऑयल यूज कर रहे हैं वो फ्लेमेबल है तो वहां पे आग लगने के भी चांसेस होते हैं। ठीक, द पावर पैक कैन बी नॉइजली, टिपिकली अबाउट 20 डेसिबल और लाउड इफ नॉट प्रोटेक्टेड बाई ए एक्विसिटर मफलर, बहुत ज्यादा नॉइजी भी होता है। तो बेसिकली ये एक ड्रॉबैक है इसका। चेंजेज इन टेम्परेचर अल्टर द वेलोसिटी विस्कोसिटी ऑफ द हाइड्रोलिक फ्लूड, दस एट लो टेम्परेचर फ्लूड विस्कोसिटी विल इंक्रीज, पॉसिबली कॉजिंग स्लगिंग मूवमेंट ऑफ द रोबोट। ए वाला पॉइंट आप ऐड करिए कि स्लगिंग मूवमेंट के भी चांसेस हो जाते हैं रोबोट में, क्योंकि विस्कोसिटी काफी लो टेम्परेचर पे क्या हो जाता है, बढ़ जाता है किसी भी लिक्विड का। तो एक ड्रॉबैक है। सॉरी, स्मॉलर रोबोट्स के लिए हाइड्रोलिक पावर यूजुअली इकोनॉमिकल नहीं होते हैं। छोटे छोटे अगर काम को आपको ऑपरेट करना है, हायर पावर की आवश्यकता है तो हाइड्रोलिक का यूज करेंगे, लेकिन लोअर पावर की आवश्यकता है तो वहां पे ये ज्यादा इकोनॉमिकल नहीं है। ठीक है, सर्वो मोटर ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिस्टम इज कम्प्लेक्स, जो सर्वो मोटर आप यूज करते हो बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स इन साइज होता है और ये इसके ड्रॉबैक है। ये एक्चुएटर और ग्रीपर्स में आप हाइड्रोलिक सिलेंडर ये वाला यूज होता है और ये है आपका न्यूमेटिक सिलेंडर जो यूज होता है, कमर्शियली अवेलेबल सिलेंडर्स हैं तो इसको मैंने इसमें ऐड किया हुआ है। अब ग्रीपर्स हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, वैक्यूम ग्रीपर कैप्स सारी चीजें अब हम लोग अगले लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या कवर किया, हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स क्या है और इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर्स क्या है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस हमने देखी। धन्यवाद ये वाले वीडियो देखने के लिए।